हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज 24 जून 2018 है और आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। अगर आप ऐसे ही डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, 22 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश का कार्यकाल खत्म हुआ और वे सेवानिवृत्त हो गए हैं? तो कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर, जस्टिस जस्टिस चमलेश्वर। इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? आंध्र प्रदेश के। और इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1953। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक के बैठक में कच्चे तेल का उत्पादन प्रतिदिन कितना लाख बैरल बढ़ाने का निर्णय लिया गया है? तो प्रतिदिन कितना लाख बैरल बढ़ाना है? 10 लाख बैरल, कच्चे तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। ओपेक के बारे में कुछ जान लीजिए। ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में हुई थी। और ओपेक संगठन में कितने देश हैं? तो 14 देश हैं। उन देशों का नाम जान लीजिए, अल्जीरिया, अंगोला, ईरान, इराक, इक्वाडोर, इक्वाटोरियल गुयाना, गैबोन, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, वेनेजुएला, कुवैत, लीबिया, कतर और नाइजीरिया। ठीक है, ये सभी ओपेक के सदस्य हैं। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने 23 जून 2018 से प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस राज्य ने? ऑप्शन सी राइट आंसर, महाराष्ट्र ने। इसके बारे में कुछ जान लीजिए कि निर्माण, उपयोग, बिक्री, परिवहन, हैंडलिंग और भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि जिन पर रोक नहीं लगा है वो जान लीजिए, दूध के पैकेट, बोतलबंद पानी, ब्रांडेड फूड, जूस के पैकेट, ब्रांडेड शर्ट, ड्रेस, तेल का पैकेट, कोल बोतल, ये जो चीज़ें हैं इन पे बैन नहीं लगा है। ठीक है, बाकी सभी चीज़ों पे बैन लग चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी एजेंसियां चालू रबी विपणन वर्ष 2018-19 में किसानों से देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेशों से कुल कितना टन गेहूं खरीदी है? देख लीजिए ऑप्शन, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 355 लाख टन गेहूँ खरीदा है सरकारी एजेंसियों ने। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा किस राज्य से गेहूं खरीदा गया है? तो वो है पंजाब। पंजाब से केवल 126.91 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। और दूसरे नंबर पर है हरियाणा, जहां से 87.39 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, किस पूर्व राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है? तो वो दिया है जनरल परवेज मुशर्रफ ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, और इस वक्त पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन है? वो है ममनून हुसैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका इन्वेस्टमेंट समिट 2018 में आईटी क्षेत्र की किस भारतीय कंपनी ने अगले 2 साल में अमेरिका में 10,000 नौकरी देने का वादा किया है? तो किस कंपनी ने? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, इन्फोसिस ने। इसके लिए अमेरिका के विदेश मंत्री ने आभार जताया है। तो अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? माइक पोम्पेयो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शहरी परिवहन योजना सूत्र सेवा का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य में सूत्र सेवा का शुभारंभ किया है? ऑप्शन सी राइट आंसर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कुछ जान लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, और मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने राजगढ़ में मोहनपुरा डैम का उद्घाटन किया है। ठीक है, मोहनपुरा डैम का उद्घाटन कहाँ किया है? मध्य प्रदेश के राजगढ़ में, जिस पे लागत आया है 3866.34 यानी 34 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक की तीसरी वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में शुरू हो रहा है? तो किस देश में शुरू हो रहा है? भारत में।
ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध उर्दू लेखक मुश्ताक अहमद यूसुफी का निधन हो गया, वो भारत के किस पड़ोसी देश के निवासी थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वो पाकिस्तान के थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमद यूसुफी का इनका जन्म जयपुर में हुआ था, भारत में, और इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? ऑप्शन बी राइट आंसर, किदाम्बी श्रीकांत को, ठीक है। और किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। कुछ और जान लीजिए इसके बारे में, किदाम्बी श्रीकांत जो थे वो जो 2018 का गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। इसके अलावा और कुछ जान लीजिए, हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्लई को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, ठीक है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम को टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आतंक विरोधी कानून के तहत भारतीय सरकार ने भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा और खुरासान प्रांत में ISIS को बैन कर दिया है, ठीक है। हाल ही में कश्मीर में जो है ISIS का गतिविधि चल रहा है, जिसके वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा सी, 1967 का गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कॉच का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले सामाजिक क्षेत्र मंत्रालय का पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध अंबुबाची मेला 2018 किस प्रदेश में शुरू हुआ है? तो किस प्रदेश में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए राइट आंसर, असम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग के प्रोत्साहन और विकास में असाधारण योगदान हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में वर्ष 2018 का प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री पुरस्कार जो है किसे मिला है? विश्वास मांडलिक को मिला है, ठीक है। इन्होंने योग में अच्छा खासा प्रोत्साहन किया है इसके वजह से। और एक और चीज़ याद रखिए, योग संस्थान मुंबई को प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है, ठीक है। एक संस्थान को मिला है और एक व्यक्ति को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में वायु प्रदूषण के स्तर के कारण विश्व भर में कितने लोगों की मौत हुई है? ऑप्शन देख लीजिए, राइट ऑप्शन होगा इसका बी, ठीक है, 42 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अवशिष्ट जल को ट्रीट करके पीने लायक बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने? ऑप्शन सी राइट आंसर, दिल्ली ने अवशिष्ट जल को ट्रीट करके पीने लायक बनाने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को रिवर राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग के अलावा सभी वाटर स्पोर्ट्स के नियमन को लेकर 2 हफ्ते में नीति बनाने का निर्देश दिया है और नीति निर्धारण तक राज्य में इन पर रोक लगा दी गई है, पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग पर, ठीक है। किस राज्य ने, किस राज्य के हाई कोर्ट ने? ऑप्शन डी राइट आंसर, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा वीमेन विजार्ड्स रूल टेक कार्यक्रम का अनावरण किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट ऑप्शन होगा ए, नासकॉम ने, ठीक है। और ये इसका उद्देश्य जान लीजिए, इसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में वरिष्ठ स्तरों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि करना है, ठीक है। और नासकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नासकॉम फुल फॉर्म होता है द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सेबी भी दी है, तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और TCS का फुल फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ट्रेन दक्षिण मध्य रेलवे में ट्रेन कप्तान वाली पहली ट्रेन बन गई है, ठीक है। तो कौन सी ट्रेन है ये? ऑप्शन बी राइट आंसर, वेंकटाद्री एक्सप्रेस। इसके बारे में कुछ जान लीजिए, ये वेंकटाद्री एक्सप्रेस जो है ये काचीगुड़ा से चित्तूर के बीच चलती है, ठीक है। 6 डिवीज़न में कम से कम एक ऐसा ट्रेन होगा जिसमें ट्रेन कप्तान होगा, और ये ट्रेन कप्तान कौन होगा? जो TTE होता है उसी में से किसी वरिष्ठ TTE को इसके लिए चुना जाएगा ट्रेन कप्तान के रूप में,
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 से लेकर 28 अक्टूबर 2018 तक 13वें रोम फिल्म फेस्टिवल 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, मार्टिन स्कॉर्सेसे को। और ये कौन है? ये निर्देशक हैं, फिल्म निर्देशक हैं ये। बस यहीं तक था आज का करंट अफेयर, जितना बन पाया उतना आपके सामने लाया, और इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर देखने के लिए।